मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। था सिसोदिया कुल का गौरव, स्वाभिमान का पोषक था, मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था। अकबर का दुस्साहस रोका साहस के बल बूतों से, समझौते को ठोकर मारी जिसने अपने जूतों से। बैरी गिद्धों का जो पंख कतरने वाला था, एक बार में दुश्मन के दो टुकड़े करने वाला था। कवच किलो 81 और 72 भला था, चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में जाता था, बाबर की औलादों का रोम रोम हिल जाता था। लोग कैसा था उनका जीवन, यह जानने के लिए आइए पलटे अतीत के पन्नों को। 15वीं शताब्दी का समय, भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, उनमें से एक था मेवाड़। मेवाड़ जो उस समय राजपूताना के एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा था, यह वह काल था जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता चला जा रहा था। अनेक राज्य मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इधर उत्तर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ति थे। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था, जिनका मुगलों के साथ बराबर विरोध बना रहता था। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक प्रमुख शूरवीर का नाम उभरता है, यह नाम है महाराणा प्रताप का। लगभग सभी राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। Oh,
महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया, अपनी स्वाधीनता और सार्वभौमिकता के आधार को सर्वोपरि माना। आसमान के बादलों में वो ताकत कहां जो उगते सूर्य की चमक को फीका कर सके, शेर के पंजे की मार झेल सके, ऐसा प्राणी आज तक इस धरा पर नहीं चला। जातक प्यासा मर जाएगा पर धरती का पानी नहीं पिया। जब तक इन बाजुओं में ताकत है, ना तो तलवार ज्ञान में विश्राम करेगी और ना ही रजपूती को कोई विधवा कर पाएगा। मेवाड़ की मूछ कभी नीची नहीं होने दूंगा। इस मायड़ धरा की मांग मैं अपने रक्त कणों से सजा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, लेकिन गुलामी की जंजीरें मरते दम तक स्वीकार नहीं करूंगा। आखिरी दम तक मेवाड़ की धरा को आजाद रखने की आज सौगंध खाता हूं। 1576 की सुबह हल्दीघाटी और गन्नौर के मध्य में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो बाद में रक्त कलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दीघाटी पहुंची। ईमान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दीघाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। महाराणा प्रताप, वो देखो पहाड़ी के पीछे से फौज जा रही है। साथियों, ये धरती हमारी है, ये नदियाँ हमारी हैं, ये पहाड़ हमारे हैं, ये क्षेत्र हमारा है, शत्रु हमारे ही क्षेत्र में आके हमें ही रंज रहा है। अब समय आ चुका है कि हम पूरा विश्वास के साथ साथ पूरे जोश और पूरे हौसले के साथ साथ युद्ध की तैयारी आरंभ की जाए और मन में ये निश्चय कर ले कि किसी भी मूल्य पर हल्दी घाटी मुगलों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये हमारी मातृभूमि है और हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक हमारी भी रहेगी। जय मेवाड़। स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरू उड़ गए। हाट बैठ छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। कालांतर में महाराणा ने चावन में अपनी राजधानी त्रिशूल योद्धा राजा को कोटि कोटि नमन। जय मेवाड़।